गुरुवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की 53वां स्थापना दिवस केंद्रीय सरना समिति एवं परिषद के केंद्रीय कार्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा कार्तिक गोराव एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव, दिनेश उरांव, राजू लकड़ा, निर्मल पाहर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने, जिसमें जीवन ज्योति, शिवा नायक, बसंती देवी, रिंकी कुमारी, ललिता देवी ने स्वागत गीत गाया। स्थापना दिवस के मौके पर शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि कार्तिक उरांव के अधूरे सपनों को पूरा करना हम सब का दायित्व है। जिस तरह बाबा कार्तिक उरांव ने पूरे देश को एकजुट करने की पहल की थी, उसी तरह से समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव आदिवासी समाज के शोषण अत्याचार से पीड़ित आदिवासियों की स्थिति को देखकर काफी दुखी रहते थे। उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। वहीं केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि केंद्रीय सरना समिति का गठन बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा ही किया गया, जो कि पूरे देश में धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में कार्य कर रही है। समिति के माध्यम से आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। बाबा कार्तिक उरांव ने अलग धर्म कोड की मांग भी उठाई थी। फूलचंद तिर्की ने कहा कि केंद्रीय सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव के बताए हुए मार्ग पर चलकर सरना कोड की लड़ाई लड़ रही है। मौके पर लोहरदगा जिला सरना समिति के जिला अध्यक्ष चैतू उरांव, केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, ललित कच्छप, भुवनेश्वर लोहरा, विनय उरांव, महिला शाखा अध्यक्ष की मीरा टोपो, निर्मल कुजू, सोनी हेमरोम, बीमल कच्छप, पाना मुंडा, शिवा लकड़ा, सपना गाड़ी, प्रमोद एक्का, किशन लोहरा व अन्य उपस्थित थे। स्थापना दिवस में क्या कुछ हुआ देखिए ट्रैवल इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट।